नो स्टूडेंट्स हेर इज़ आर एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन एवेलुएट्स केयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलो पार्ट थ्री है फाइव जीरो नाइन अब बात ये आती है कि हमने अब इस वाले पार्ट पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना है या माइनस वाला अब हमने दोनों फार्मूलाज के एप्लीकेशन को सीखना है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर वन में प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सारे पार्ट्स पे और क्वेश्चन नंबर टू में हम से माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सारे पार्ट्स पे ताकि हमें दोनों फार्मूलाज का यूज़ आ जाए अब फाइव जीरो नाइन को हमने प्लस में रिजॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा फाइव हंड्रेड प्लस नाइन अब यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग स्केयर अब इसका स्केयर नहीं है तो हम इसका लेंगे स्केयर अब दो नंबर हैं दरमियान में प्लस है होल स्केर है तो इस पर हम लोग ये वा, वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्केयर जो हमारी सेकेंड टर्म है उसका स्केयर देन प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म इन सेकेंड टर्म फाइव हंड्रेड होल स्केयर प्लस टू इंटू फाइव हंड्रेड इंटू नाइन प्लस नाइन होल स्केयर फाइव हंड्रेड का जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो आ जाएगा वो टू लैक फिफ्टी थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आ जाएगा थाउजेंड थाउजेंड इंटू टू इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड प्लस नाइन नाइन जार एटी वन हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू फाइव नाइन जीरो एट वन विच इज़ आर आंसर सो फाइव जीरो नाइन होल स्केयर इज इक्वल टू टू फाइव नाइन जीरो एट आपने चेक करना हो तो फाइव जीरो नाइन को फाइव जीरो नाइन से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास सेम आंसर ही आएगा और फोर पार्ट इस 1006. अब इसको भी हमने प्लस में रिजॉल्व करना है तो हम इसके टू फैक्टर्स बना लेंगे थाउजेंड प्लस सिक्स नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाई टेकिंग स्केयर थाउजेंड प्लस सिक्स होल स्केर यहां भी प्लस है होल स्केल है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्केर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बीस स्केयर थाउजेंड का स्केयर प्लस टू इंटू थाउजेंड इंटू सिक्स प्लस सिक्स का होल स्केयर वन थाउजेंड का होल स्केर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन लैक प्लस थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू टू थाउजेंड टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई स थर्टी सिक्स इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जाएगा वन जीरो वन टू जीरो थ्री सिक्स यानी ये आंसर है वन डबल जीरो सिक्स के होल स्केयर का सो वन डबल जीरो सिक्स होल स्केयर इज इक्वल टू वन जीरो वन टू जीरो थ्री सिक्स नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टूअर्स क्वेश्चन नंबर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन में ए प्लस बी होल स्केर के एप्लीकेशन को सीखा था इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू में ए माइनस बी होल स्केर के एप्लीकेशन को सीखना है हमारा पार्ट वन है फिफ्टी सेवन होल स्केर यानी कि हमें होल स्केर ऑलरेडी गिवन है हमने सिर्फ फिफ्टी सेवन को टू फैक्टर्स में रिजॉल्व कर देना है यहां मैं ले रही हूँ सिक्सटी और थ्री यानी जब मैं सिक्सटी में से थ्री को माइनस करती हूँ तो मेरे पास फिफ्टी सेवन ही आता है ऑलरेडी स्केयर हमारे पास गिवन है हम ए माइनस बी होल स्केर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको ओपन करते हैं सबसे पहले मैं लिखती हूँ सिक्सटी का स्केयर देन मैं लिखूंगी थ्री का स्केयर माइनस टू फार्मूले का आ जाएगा सिक्सटी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और थ्री हमारा सेकेंड एलिमेंट है सिक्सटी का जब मैं होल स्केर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस ऐसे ही आ जाएगा सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय थ्री इज आंसर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी प्लस थ्री थ्री इजार नाइन अब थर्टी सिक्स हंड्रेड में नाइन में ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड नाइन माइनस कर दूंगी थ्री थ्री सिक्सटी तो मेरे पास आ जाएगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन सो फिफ्टी सेवन होल स्केयर इज इक्वल टू थ्री टू फोर नाइन विच इज आवर आंसर नाउ और थर्ड पार्ट इज़ फाइव नाइन्टी एट होल स्केयर अब यहाँ पर फाइव नाइन्टी एट है हम लोग माइनस वाला फार्मूला ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम इसको टू फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेंगे सिक्स हंड्रेड और टू यानी सिक्स हंड्रेड में से जब मैं टू को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा फाइव नाइन्टी एट यहाँ पर हम लोग माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी होल स्केर इज इक्वल टू ए माइनस टू ए बी प्लस बी सबसे पहले मैं लिख लूँगी सिक्स हंड्रेड का स्केयर देन मैं लिख लूँगी टू का स्केयर माइनस टू फार्मूले का सिक्स हंड्रेड इंटू टू सिक्स हंड्रेड का स्केर जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड टू का स्केर आ जाएगा फोर सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टू आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड को मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस का अब थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड में जब मैं ऐड करूँगी फोर तो हमारे पास आ जाएगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड फोर माइनस ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री फाइव सेवन सिक्स ज़ीरो फोर सो